Class 10th NCERT Chapter 8 Exercise 8.4 Question Number 1. Express the trigonometric ratio sin a secant a tan a in terms of cot a. ठीक है, तो now मेरे को sin a secant a tan a की वैल्यू cot a की टर्म में लिखनी है. अब इन इसको कन्वर्जन करने के लिए मेरे को trigonometric फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे. ओके, नाउ एज वी नो दैट cosecant square theta, ये cosecant square a माइनस cot square a इज इक्वल टू 1. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cosecant square a इज इक्वल टू 1 प्लस cot square a, लिख सकते हैं. अब cosecant square a क्या होता है, इट विल बी 1 बाय sin square a इज इक्वल टू 1 प्लस cot square a. तो यहाँ से अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, sin square a इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस cot square a, ये आ जाएगा. तो यहां से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. ठीक है, तो ये हमारे पास साइन ए आ गया कोट ए की टर्म्स में. सिमिलर वे में मेरे को सेकेंड ए निकालना है. नाउ एज वी नो दैट 1 माइनस, अब देख यहां पर मैंने ये चीज निकाली है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. तो मैं यहां से साइन स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. लेट्स सी, इक्वेशन नंबर 1 थी यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया. अब यहां से मैं टर्म्स को रीअरेंज करता हूं, सो आई विल से cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a बनेगा. तो ये क्या बन रहा है, 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a. अब ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, cot स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a. ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई. तो यहां से कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस कोट ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. तो अब हमारा कोस ए कोट ए की टर्म में आ गया. ठीक है, अब एक चीज बताओ, कोस क्या होता है, कोस को हम ले सकते हैं 1 बाय सेकेंड ए. तो सेकेंड ए मेरे पास ये वैल्यू आएगी. तो अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज करूं, मैं यहां से बोल सकता हूं सिकेंड ए इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोट ए. ठीक है, तो अब हमारे पास सिकेंड की वैल्यू भी आ गई. अब देखते हैं टैन की वैल्यू, टैन ए की वैल्यू कोट की टर्म. अब एक चीज बताओ, टैन ए क्या होता है, टैन ए को हम ये लिख सकते हैं 1 बाय कोट ए. तो यही टैन ए का एक्सप्रेशन होगा कोट की टर्म्स में. दैट्स इट, हमारे पास टैन को कोट की टर्म में ऐसे लिखा, सिकेंट को कोट की टर्म में ऐसे लिखा, कोस को कोट की टर्म में ऐसे लिखा, एंड साइन को कोट की टर्म में हमने ये लिखा. ठीक है, हमें यही निकालना था.